अकेलेपन के इस दौर में क्या आपको नहीं लगता कि कोई आपके साथ हो जिससे आप बात कर सकें, जिससे मिल सकें, या जो कोई आपकी बात सुन सके, अपनी बातें सुना सके? तो मेरे लिए ये काम शायरी करती है। तो होता यह है कि मैं कोई भी शेर पढ़ूं, कोई भी गजल, कोई भी नज्म पढ़ूं, तो मुझको ऐसा महसूस होता है कि जो मैं फील कर रहा हूं वो सिर्फ मैंने नहीं फील किया, वो कोई है जिस पर ये सारी चीजें जो हैं बीत चुकी हैं, कोई और है जिसने ये सब फील कर लिया है। तो इसमें ये शायद नहीं होता कि कोई मेरा जो दुख है वो कम कर रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई जरूर होता है कि हर शेर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलता है और कहता है कि यार तुम अकेले नहीं हो। मिर्जा गालिब का शेर है कि मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते, आ ही जाता वो राह पर गालिब, कोई दिन और भी जिए होते। तो आइए 19 सितंबर को शनिवार 4:30 बजे रूबरू वॉक्स के इस प्रोग्राम में, जहां पर मैं सत्यम आपसे बात करूंगा दिल्ली के बारे में, दिल्ली की शायरी, दिल्ली के शायरों के बारे में, और आपको लेकर चलूंगा एक सफर पर जो आपको बताएगा कि शायरी जो है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। शुक्रिया।